बीबी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पर विश्व हिंदू परिषद ने किया ट्वीट। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की शनिवार रात को गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी और अशरफ अहमद के शरीर से 5 गोलियां निकली हैं। आपको बता दें कि अशरफ अहमद की सिर, छाती और गर्दन पर गोलियां लगी थी। जिन 3 लोगों ने अतीक और अशरफ अहमद की हत्या की थी वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अतीक अहमद की हत्या में बजरंग दल का नाम लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है जो कि पूर्णतः भ्रामक है। हत्या करने वाले कौन है इसकी जांच यूपी सरकार करा रही है और सत्य सामने आ ही जाएगा। दरअसल अतीक और अशरफ की हत्या करने वालों में शामिल लवलेश तिवारी काफी साल पहले बजरंग दल से जुड़ा था। आपको बता दें कि लवलेश तिवारी की मां ने बताया कि लवलेश भगवान का भक्त था और बिना पूजा पाठ किए वो खाना तक नहीं खाता था। आशा देवी ने आगे बताया कि जब उन्होंने टीवी पर यह खबर सुनी कि अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले शूटर्स में उनका बेटा भी शामिल है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। आशा देवी ने कहा कि पता नहीं वो कैसी संगत में फंस गया जो उसने ये सब कर दिया। अब बता दें कि फिलहाल इस मामले में आगे और भी जांच हो रही है और अतीक अहमद की हत्या का ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी।